विजिबिलिटी जीरो हो गई है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। वहां से निकल के आने के बाद यहाँ लो शार। टाइम भी बता दो साथ के साथ। क्या बता दूं? टाइम और टाइम बड़ा बढ़िया है, मेरा टाइम बढ़िया चल रहा है, मेरी कोई चिंता नहीं है। आओ पुत्र चलिए फिर। चलो फिर चलें। बाकी चैनल नु लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बिना सब्सक्राइब करे भी देखो तो बढ़िया है, कोई गल नहीं, बट कर लोगे ज्यादा बढ़िया, हर बारी थानू दिखणगे व्लॉग साडे एवें ही है। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰ, ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਗਾਇਸ, ਲਾਈਕ ਵੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ। ਯੋ ਪਰ ਅਮਨੇ ਕਪਕੇਕਸ ਲੈ ਲਈਏ ਸਲੋਨੀ ਕੇ ਕਹਨੇ ਪੇ, ਅਬ ਮੇਰੇ ਕਹਨੇ ਪੇ, ਆਪਕੇ ਕਹਨੇ ਪੇ ਲੈਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਛੋੜਨਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰੱਖ ਦੋ ਫਿਰ, ਯਹੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਵਹੀਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸਲੋਨੀ ਮਾਰਬਲ ਕੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖ ਦੇ? नहीं ब्रो चलते हैं, गाड़ी में ही होगा तेरा फोन। और हम ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हैं बीच जाने से पहले, क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि कभी भी हमारे पास सामान पूरा नहीं होता, पहले जान तो पहले हमने सलोनी ने ये सब ले लिया, हमें ये नहीं चाहिए, ये लास्ट ऑप्शन है यार, नहीं कार्ड में ही रखो। अच्छा ले ले, बहुत अच्छे होंगे वो, ऐसे सॉफ्ट और अच्छे, इसकी शक्ल देखो, इसको पता नहीं हमें क्या खाने खाने की पड़ जाएगा। मेरा मन कर रहा है सलोनी सलोनी सलोनी, कैन वी बाय दिस? यार इतने दिमाग चलो चलो, हाँ बहुत गीला है, हाँ उधर देख लो, उधर पड़े होते हैं यार। हमें कपकेक्स चाहिए, सलोनी को कपकेक्स चाहिए, बट कपकेक्स नहीं मिल रहे हैं हमें, ये वाले बड़े हैं। सलोनी आपको रेड वेलवेट क्यों चाहिए? सलोनी फैन ऑफ रेड वेलवेट। केक ले लेते हैं, काम कर, मजा आ जाएगा। बताओ फिर क्या करना है? ओह डू यू वांट टू गेट दिस चीज केक? इधर भी पड़े हैं, ये भी हैं। ओ ये रे रेड वेलवेट, ऐसे सही थे यार वो, हाँ ऐसे सही थे। ये ले ले, ये ले ले, तीन ले ले, टच है छः ले लेते हैं, सो हर बार की तरह हम आके हो गए हैं खड़े कहाँ पे। आप लोगों को ये ग्रोसरी स्टोर देख के समझ आ जाना चाहिए कि हम कहाँ आ सकते हैं, पहुंची कर, कितनी तेज बोल दिया पहुंची करने। नहीं यार ये जरूरी काम है, ऐसा कुछ नहीं है, साफ सुथरा होता है और हम कोशिश ऐसी करते हैं कि बीच पे एंजॉय करने से पहले अपना हो जाओ, क्योंकि यार ट्रैवल 2-2.5 घंटे का हो जाता है, तो उसके बाद एक बार तो ज़रूरत होती है वॉशरूम यूज़ करने की, ऐसा नहीं कि हम पॉटी करने आते हैं, बस वॉशरूम यूज़ करना होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो ट्राई कर सकते हो, नियर बाय कोई भी वॉलमार्ट, रियल कैनेडियन, शोबीज, कुछ भी हो आ जाओ अपना यूज़। अग्नि नहीं यार देख ब्लॉग में बदतमीजी, हम खाली वॉशरूम यूज़ करने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो सब सच में क्या करते हैं यार, ये तो सब सच बताने लग जाती है, ऐसे थोड़ी होता है कि हर हर बात पे सच बोलने लग जाओ, बदतमीज लोग। अब नंबर लगा हुआ है किसका? सलोनी का। तो उसके बाद चलते हैं बीच पे और फिर देखते हैं यहाँ के नजारे। करते करते कर ली हमने सेल, क्या कर किस चीज की करती फिर सेल? ओ चेयर्स, बीच चेयर्स और ये ही अम्ब्रेलास, और हमने भी ले ली एक बढ़िया जी अम्ब्रेला, $10 की रेंट हो रही थी, $10 की वहाँ रेंट हो रही थी, और हमने 12 की परचेज कर ली। 12 नहीं, पे कितने करके आई है वो? 14 मतलब ठीक है, 14 में अपनी हो गई, 10 एक बार में पे करने है, उससे अच्छा है कि चीज अपनी हो गई, वो भी आर्ली के हिसाब से है 10। हाँ 10 भी आर्ली के हिसाब से है। चले फिर, क्या आपका दिल ही खुश हो गया होगा ना? मैं वैसे कौन कैमरा तो नहीं बोल सकता ना सारी बात, आपको भी दिखाते हैं क्राउड। अभी पहुंच के हम पैदल जाएंगे यहाँ से, ये माल रोड है, ये माल रोड है, माल रोड से अभी सीधा सीधा जाएंगे, सामने बीच है,
देखते हैं एक बार हमें पार्किंग मिल जाए। पार्किंग का मुश्किल लग रहा है। ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे मोटर बोट लेके चलते हैं अपनी गाड़ी के पीछे, तो ऐसे गाड़ी के पीछे लोग यहाँ मोटर बोट अटैच कर लेते हैं और सीधा जाके अपना पानी में उतार लेते हैं। पूरा रश लग ही रहा है, पीछे तक जाम लगा हुआ है एकदम। वो देखो कहाँ पर, ये इंडिया में मॉल रोड होता था और यहाँ पे ये डाउनटाउन हो गया है। कहीं जा रहे हो, ये उसका डाउनटाउन, ये इसका डाउनटाउन। सो आप देख लो डाउनटाउन, टाउन आ गया डाउन वाला। ऐसा मैं कुछ भी बोलता हूँ सही है, बोलना चाहिए, चुप रह के क्या फायदा। गाड़ी देखो यहाँ, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ देखी है। आप ड्रेसेस भी ले सकते हो, वो देख ड्रेसेस जस्ट लेफ्ट में देख। और ये सी ज्वेलरी, ज्वेलरी शॉप है ये। ऐसी ड्रेसेस हमारे इंडिया में बहुत मिलती है। वैसे ये हमारे इंडिया में बहुत मिलती है ऐसी ज्वेलरी, ओ ड्रेसेस सॉरी। तो आ गया आगे ये कैफे टाइप, मतलब ये लग रहा है ना जैसे इंडिया में होता है वैसा सही, सारा रोड साइड सब कुछ बना हुआ है। आराम से बैठो, खाओ पियो, इंजॉय करो। देखो आइसक्रीम प्लेस पे कितनी भीड़ है, मतलब दबा के भीड़ लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा किस चीज की है किस चीज की नहीं। मतलब ये कराते हैं आपको बीच की एंट्री, यहाँ से चलते हैं हम भी, लगाते हैं अपना झंडा एकदम जाके। नो चला जाएगा, आजा। ये आ गए हम बीच पे, व्यू रिकॉर्ड करे दबा के, कोई चिंता नहीं है, आराम से ऐसे लेटे होते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या यहाँ की, ओह माय गॉड, लोगों को वीडियो चाहिए हमसे, कोई नहीं हम शेयर कर देंगे। वेदर एकदम हो रहा है सेक्सी, मूवमेंट ज्यादा हैपनिंग नहीं है। हम अभी थर्ड या फोर्थ बीच पे आ रहे हैं, ये पानी भी एकदम क्लीन ज्यादा दिख रहा है और हैपनिंग भी ज्यादा लग रहा है। एकदम यार मैं सोने की बात कर रहा था, दुनिया यहाँ सही में सोई हुई है कि नहीं, हम भी सो सकते हैं। व्हाट टू डू, यहीं पे गाड़ लिया जाए या आगे जाके, आई थिंक सो यहीं गाड़ लेना चाहिए यार, सही है जगह। दोनों हो गए गीली, पानी मेरे में डाल रही है और मैं आ गया बाहर। और सीन क्या है, हवा चल रही है बहुत तेज, टाइम हमारा हो गया लेट आने में, हवा हो गई ठंडी। नहीं नहीं, मतलब हम लोगों को क्या शौक होता है पानी के अंदर जाएं गीले हुए और ऐसे एकदम एंजॉय करें। यहाँ इस गोरों को क्या सीन है, बस आराम से धूप में पड़े हैं, लाल होना इन लोगों को, बस टैन करानी है बॉडी, और कोई सीन नहीं है इनका। फिर दस दो फिर की करना चाहिए ऐसे, फिर व्यू देखते रहने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे बोल रहे ज्यादा आगे मत जाए यार, मैं नहीं जा रहा, कितना अंदर आया हूँ अभी, तो थोड़ा सा ही आया हूँ, ज्यादा थोड़ी आया हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। मतलब ये वाली बीच वैसे थोड़ा सा मतलब है कि इसमें वेव्स आ रही हैं और है थोड़ा सा डीप है, मतलब स्टार्टिंग में डीप हो गया, नहीं तो ग्रैंड बैंड, मतलब हम वसागा गए थे, वसागा अच्छा था, अंदर तो चले गए पता भी नहीं लगा। वसागा भी चले गए थे आज भी। फिर मोचा कितना ठीक है अंजी ब्रो, इतने से मैं यहां तक आ गए। कहां तक आ गए, यहां तक। मतलब ये ऐसा है कि पानी भी क्लियर है एकदम, एंजॉय भी कर पा रहे हैं, व्यू भी सही है और ठंडा भी है। मतलब वेदर ठंडा हो गया या हम लेट हैं समझ नहीं आ रही। दोनों नहीं नहीं, बस मैं यहीं हूँ यार, मैं इससे नीचे नहीं जा रहा, तो मतलब आप देख सकते हो एंजॉय तो फुल हो रहा है कि नहीं। अंकित भैया क्या हाल है, बढ़िया, फिर करना एंजॉय, दसो हम बहुत अंदर तक आ चुके हैं पानी के। क्या बात है, कितने अंदर तक आए हुए हैं ये देखो,
ये सब झूठ है, स्विमिंग आती है तो बहुत अंदर तक है, मतलब इतना डीप तो इनको आना नहीं चाहिए। ग्रैंड वेंट तो यार बहुत डीप है, बहुत सच्ची सच्ची इन्होंने सच दिखा दिया। ये खड़े हैं बिल्कुल आगे और मैं खड़ा तो यहाँ पे आ रहा हूँ। और सलोनी फ्लोटिंग कैसे कर रही है वो भी दिखा दो फिर, सलोनी फ्लोटिंग कैसे कर रही है, सलोनी फ्लोट करके दिखाइयो। ये देखो ये देखो ये टेक्निक्स चल रही हैं फ्लोटिंग की। मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये ब्रो ये वो देखो ये देसी जुगाड़ देसी फ्लोट्स। ये क्या हो रहा है मेरे साथ गाइस, ये क्या कर रहे हो तुम? ओह माय गॉड, वो तो ठीक है, ये कर क्या रहे हो मेरे साथ तुम? मोमेंट बना रहे भाई, हम आराम से चिल कर रहे हैं, बच्चे लगा रखे हैं। बेबी कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है? आपकी उंगलियां नहीं छुपी यार, चलो उंगलियां छुप गई हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या रिव्यूज हैं आपके? रिव्यूज ऐसे हैवी हैवी सा लग रहा है। हाँ हल्का हल्का और बड़ा रिलैक्सिंग सा लग रहा है, लग रहा है सैंड है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो गाइस हमने पता है आधे घंटे की मेहनत है हमारी। ओह माय गॉड ये झूठ बोल रही है, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, झूठ बोल रही है, आधे घंटे की मेहनत है। सलोनी और मैंने दोनों तरफ से मेहनत करी है, आपको एक 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ। दो या तीन मिनट मैंने ने कर दिया, पांच मिनट कर दिया होंगे शायद। तो आपकी उंगली नहीं छुपी अभी तक, आप इतने बड़े हो बेबी। चलो अच्छी बात है बेबी, और क्या चाहिए। कैसा लग रहा फिर? बहुत बढ़िया। तो गाइस जब भी बीच पे आओ ये जरूर ट्राई करो, इट इज वर्थ इट, इज इट? बट गोवा जाके मत करना ये, बाकी सैंड में पता नहीं क्या मिल जाएगा। सो अब दिखने वाले नज़ारे जो है वो क्या है, शाम हो गई है, धूप चली गई और लोग हो गए कम, अब रह गए खाली इंजॉय करने वाले हम है भाई, इंजॉय करने वाले रह गए खाली हम। अब चलें। दोबारा यार पता है बीचेस का क्या है, मैं लास्ट व्लॉग में भी बोला वसागा वाला बहुत बढ़िया था भाई, ये उसका बेस्ट लगा। इसमें क्या है कि क्राउड बहुत ज्यादा है, बड़ा भी मतलब बहुत बड़ा है, जहाँ तक देख रहे हैं मतलब लोग दिख ही रहे हैं। ऊपर से एक बात और क्या है यहाँ वाले की, साफ ना पानी बहुत जल्दी हो गया, मतलब यहीं से पानी साफ हो गया, थोड़ा सा ही अंदर आना पड़ रहा है। हाँ बस आगा ये था कि हम बहुत अंदर तक एंजॉय करने जा रहे थे, इसमें हमें थोड़ा आगे आगे तक रहना पड़ रहा है, हर हर बीच का अपना अपना मजा। ये अच्छा लगा मुझे, पता है ये हैपनिंग है, ये हैपनिंग है, ये सबसे पास है हमारे घर के, ये सिर्फ 1.5 घंटा दूर है, बाकी सारे भी 2.5 घंटे दूर है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसमें, 1.5 घंटे में हम आ गए। अच्छा रहा मतलब व्लॉग, मतलब हमारे को बहुत बढ़िया रहा, इंजॉय बहुत बढ़िया हुआ। और फाइनली जब पानी के अंदर हम ऐसे डुबकियां लगाते हुए जब व्लॉग ले ले फिर उसका तो मजा ही अलग है ब्रो, ऐसे मैं कह रही गुजारूंगी कि तू पीछे जल्दी चल, मीटिंगा विच रख दी प्यासी बनानू, तेनू कहंदा कि सुपने च जान, मैनू तू थोड़ी चाहिदी जवान। वहाँ से निकल के आने के बाद यहाँ लो शार और पैर करने हैं, यहाँ करो पैर वॉश और मेरे कपड़े तो इसमें, उसके बाद कुछ खाना पीना आराम से यहाँ बैठ सकते हो। ऊपर वहाँ पे जगह बैठने की दिख रहा होगा शायद, वहाँ पे ऊपर जाके बैठ सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया बना रखी है, मतलब बैठने बैठने की सीटिंग वीटिंग बहुत बढ़िया, आराम से बैठो खाओ पियो जो मर्जी करो, हम तो अपना लाएंगे। अभी खोलते पिटारा खाते हैं फिर करते हैं इंजॉय साथ साथ खाने का भी और फिर जाएंगे घर। ये देखो सामने लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं और चलते हैं ऊपर, ऊपर से देखते हैं कैसा आता है व्यू एक बार चल के, सामान बहुत ज़्यादा लोड किया होगा वैसे तो। ये आ गए ऊपर, लेट्स सी फ्रॉम हियर, ओह माय गॉड है बैगियाँ नहीं। दी एंड ग्रैंड बैंड दोबारा आना है, yes, for sure. For sure आना है।
एक बार नहीं, इन्होंने रेगुलर आना, मल्टीपल टाइम्स आना है इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर करते हैं प्रोग्राम आने का दोबारा जल्दी। मजा ही आ गया। वैसे ये लास्ट वीक भी होके गई है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आई है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, बट इंजॉय इसने फर्स्ट टाइम करा है। ऐसा होता है, थोड़ा ग्रुप का कंपनी का फर्क होता है। मतलब जैसे ग्रुप में और जैसी कंपनी में आता है वैसा इंजॉय करता है। लास्ट टाइम आपके साथ कोई दुर्घटना घटी? कैरियर में बोलना नहीं चाहती, क्या बोलूँ, बस मैं, मेरी बेइज्जती है। तुमने कहा तो मेरे को पिछली बार भी था, बट मैं अपनी जिद से गई थी। कोई नहीं, हो जाता है। हाँ जी, कहाँ की वेट हो रही है? हमने करनी है रोड क्रॉस। सामने से आ रही हैं गाड़ियाँ, इधर से आ रही हैं गाड़ियाँ, और हमने है जाना। जैसे ही हमारी होगी लाइट सामने, वेदर पे फोकस करो, कितना सही लग रहा है। फोकस वेदर पे था वैसे हमारा, बटन दबा दिया। हाँ। ये वाला, वो वाला, ये इधर का है। ओके, अच्छा हमने इधर वाला दबाना था, हमने जिस पे जाना था। चलो चलो चलो, सामने वाइट हो गया है। ओके, चलो चलो चलो, वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जाते जाते बारिश ना हो जाए, बहुत बढ़िया होगा। ओके, बाय बाय ग्रैंड बैंड। वेदर हो गया और सेक्सी अब। बाहर का व्यू देखो, और हम निकल पड़े हैं। टाइम हो रहा है 9:30 भाई, 9:30 बजे हम निकल रहे हैं बीच से होके। क्या बात है, है? ये बढ़िया था ना, पता भी नहीं लग रहा। मतलब बाहर देख के भी नहीं लग रहा कि 9:30 बजे निकले हैं हम। हाँ, ये बढ़िया रहा कि हमने खाना यहीं पे खा लिया, क्योंकि घर से लेके आए थे, अपना यहीं पे खाया और इंजॉय करा वहीं। वेदर और वेदर अब इतना बढ़िया हो गया, एसी की तो जरूरत ही नहीं, खाली सनरूफ खोल रखी है, उसी से बढ़िया वेदर हो गया गाड़ी के अंदर। और वार्निंग है 1:30 बजे की रात को, हमने तो 11 बजे तक पहुंच ही जाना है। वेदर स्टॉर्म की है ना, वार्निंग स्टॉर्म की वार्निंग है। पहुंचते हैं फिर आराम से घर और करते हैं फिर फोन के अंदर भी नहीं दिख रहा था, फिर पता नहीं क्या है। नहीं कुछ व्यू खास, मतलब विजिबिलिटी है नहीं। व्यू कह रहा हूँ, व्यू बोल के व्यू आ रहा है बार बार, विजिबिलिटी है नहीं। ये तो हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस है, दिल्ली वाले हैं तो हम चला लेते हैं बस थोड़ी सी, और तो क्या ही बात है।